और वजह से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1949 में आज के दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। मुझे याद है जब साल 2015 में हम बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती मना रहे थे, उसी समय ये विचार आया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाए, और तब से हर साल आज के इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और हम सब मिलकर के नागरिकों के कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। राष्ट्र निर्माण में जब सबका साथ होता है तभी सबका विकास भी हो पाता है। मुझे संतोष है कि संविधान निर्माताओं के उसी दूरदृष्टि का पालन करते हुए अब भारत के संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे लोकतंत्र की संकल्प शक्ति का उदाहरण है। ये विकसित भारत के हमारे संकल्प को गति देने के भी उतना ही सहायक होगा। प्रधानमंत्री